Class A, English first chapter, part SGP 3. मैं पहला क्लास में अली मैं पीपल्स के लिए पॉसिबल का दो चैप्टर का पढ़ा चुकी हूँ, अभी तीसरा पार्ट पढ़ा रही हूँ। इस चैप्टर का मतलब आपको क्या समझते हैं? अली मैं इम्पॉसिबल क्वेश्चन, दैट मीन्स जो काम अली ने इम्पॉसिबल काम था वो पॉसिबल करके दिखा दिया। किस तरह से दिखाया आपने तीसरे पार्ट में देखा, दो पार्ट में कैसे बताया मैं बता रही हूँ। तीसरे पार्ट बनाने से पहले दो पार्ट में अली बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन एक दिन एक चोर ने एक व्यक्ति का पास चोरी करके ले गया, तो वो चोर वो व्यक्ति ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दे देता है। देने के बाद उसको कोर्ट पे भेजा जाता है, कोर्ट में तीन साक्षी को पेश करता है। दोनों साथी अपना जो मंतव्य थे दोनों का उल्टा उल्टा था, तो उसी लिए वकील ने बड़ी नाराज होकर उसी वक्त पर ओली ने वही वकील को वादा दिया, मैं अपना केस को पॉसिबल करके दिखा दूंगा। किस तरह से वो पॉसिबल किया अब तीसरा पार्ट में आप देखोगे। द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट डे, but the lawyer was terribly upset. He scolded the witness for giving contradictory facts, but each of them witness told that he had told the truth. The case is lost. There was no hope of saving the case, no need for sending the third witness, grumbled the angry lawyer. जब दोनों का witness का ओपिनियन अलग अलग हो गया, उसी वक्त पर वकील ने थोड़ा सा नाराज हो गया और उसको यकीन हो गया तो केस को हार जाएगा। उसी और दोनों वही राय दिए, हम लोग सच बोले, हम एक भी झूठ नहीं बोले। तो उसी लिए वकील थोड़ा नाराज हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं तीसरा विटनेस को जरूरत नहीं, लेकिन द अंत में ओनली द लॉयर्स को वाज लिसन टू ऑल दिस। जब अली ने ये सारी बात सुन लिया, लॉयर्स का को जब ये बात सुन लिया और उसको वादा दिया कि मैं उस केस को आपका जीता दूंगा, आई कैन सेव द केस, द लॉयर लाफ एंड सेड दिस इज इम्पॉसिबल एज यू आर मियर कुक। देखो लॉयर ने बोला कुक तुम्हारा खाना पकाने के लिए अब जाता है, लेकिन तुम इस केस को जीत नहीं सको, और हंसते हुए कहा। तो उसी वक्त पर फिर अली ने बोला, यू शुड नो दिस अली, अली इन इज फॉल्टी इंग्लिश, से सर आई हैव बीन कुकिंग यू फॉर द लास्ट 10 years एंड यू नो आई कैन ऑल्सो कुक द जज एंड गवर्नर। अली का फल्टी इंग्लिश का, फल्टी मतलब गलत इंग्लिश का, उन्होंने बोला कि मैं 10 साल से तुमको खाना बना के दे रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो कुक द जज एंड गवर्नर, और जज के लिए गवर्नर के लिए खाना बना रहा हूँ, आई एम एन एक्सलेंट कुक, मैं बहुत बड़ा कुक हूँ, आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, और मैं किस तरह से इम्पॉसिबल बात को संभव कर सकता हूँ। उन्होंने बोला मुझे एक चांस दीजिए जो कि असंभव केस को मैं संभव करके अगर देखा। तो इस पैराग्राफ का अर्थ वही था, और इस पैराग्राफ में जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, सारे कॉपी में आप लिख लीजिए।